रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश सरकार के हर व्यक्ति को घर मुहैया करवाने के दावे हमीरपुर में पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से एक गरीब परिवार आसमान के नीचे जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, डीसी से लेकर मंत्री तक फरियाद भी काम नहीं आई है, जिस कारण हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 में अनु के पास गरीब परिवार झोंपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहा है और मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होने से दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्रदेश सरकार के हर व्यक्ति को घर मुहैया करवाने के दावे हमीरपुर में पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से एक गरीब परिवार आसमान तले जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, डीसी से लेकर मंत्री तक फरियाद भी काम नहीं आई है, जिस कारण हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 में अनु के पास गरीब परिवार झोंपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहा है और मकान बनाने के लिए पैसे नहीं होने से दर दर की ठोकरें खा रहा है। थक हार कर गरीब परिवार अब प्रशासन से जहर मांग रहा है, ताकि कष्ट भरी जिंदगी से छुटकारा मिल सके। आपको बता दें कि हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 के बशिंदे करतार चंद के आशियाने को करीब 3 साल पहले वन विभाग ने अतिक्रमण के मामले में उजाड़ दिया था और उसके बाद से करतार चंद झोंपड़ी बनाकर जिंदगी जी रहा है। करतार चंद ने सीएम से लेकर विधायक और डीसी से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई है, लेकिन आज दिन तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। बरसात के दिनों में करतार चंद की हालत दयनीय बनी है और झोंपड़ी में लगे हुए टेंट के फट जाने से अब जरा सी बारिश से पानी टपक पड़ता है। रात के समय अंधेरे में रहने से हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। करतार चंद ने बताया कि 1.5 साल पहले प्रशासन ने घर बनाने के लिए पैसे देने का वादा किया था और इसके लिए सारी औपचारिकताएं भी जिला प्रशासन के पास पूरी की थी, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट कर पूरी तरह से थक गया हूं और अब प्रशासन से अपील है कि कुछ करे या फिर जहर ही दे दे। भाग वाले बोल रहे हैं कि पैसा सरकार देगी तभी होगा, पे हम क्या करें, हम कहां से देंगे। अगर सेंटर से आएगा बोले पैसा तभी आपको पैसा दिया जाएगा। पहले उन्होंने बोला जी काम लगा दो, पैसा आपका मंजूर हो गया, हमने काम लगा दिया जी, तो वो अब लेबर पैसा मांग रहे तो हम कहाँ से देंगे जी। अगर सरकार नहीं देगी तो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे से काम नहीं होता, घर वाली बीमार रहती है। और आज तक सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मुझे मिली है, कुछ थोड़ा बहुत ही मदद करती सरकार तो कोई मदद नहीं हुई हमारी। हमने बहुत जगह गए, हर एक जगह में गया, मैं पूरा पूरा दिन भूखा भी रहा, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई, माँ को बताई थी उनको भी ये बात, जो हमारे गुड्डू जी हैं उनको बताई थी ये बात कि ऐसा ऐसा है हमारे पास, उनके पास एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। हाँ जी, ये बात है सर। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से सर, पानी अंदर बढ़ जा रहा है, टेंट फट गया है, डीसी ने दिया था, अब हम बड़ी मुश्किल से रह रहे इधर, और शाम भाव के डर लग रहा है, बच्चे हैं हमारे पास, ऐसा कुछ सरकार हमारे बारे में सोचे बस। तो ये होगा जी, कुछ कसिया सरकार हमें कुछ जहर दे दे या कुछ ना कुछ हमारा करे तभी है, नहीं तो हम खुद कर लेंगे, खुद ही मर जाएंगे, यहाँ सांप निकल रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, हमारे तो बहुत मुश्किल में है जी। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो यही चारा है हमारे पास, हम कुछ नहीं है हमारे पास, जैसे हम कुछ कर सकें भाई, किसकी किससे मदद मांगेगा, सरकार के पास ही नहीं मदद मिल रही तो और किसके पास जाएँ जी। तो यही है मेरा कि अगर सरकार कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते, हम तो मरने के लिए मजबूर है, और क्या ये यहाँ कोई सांप खा जाएगा, कोई ये चीता शेर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे खुली जगह है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं से बंदा है कि कुछ है, तो हम तो मजबूर है जी, हमारे पास यही है रिक्वेस्ट है सरकार के पास, या तो हमें कुछ मरने के लिए जांच दे 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 देने में, आप मर जाओ, कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार हमारी मदद करे, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। करतार चंद की पत्नी अमरो देवी ने बताया कि घर को गिराए जाने के बाद अब बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है और प्रशासन के द्वारा भी 1.5 साल से दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने टाइता हम कान कने वे तिस्ते परांता हम जो कोई चारा नहीं है यहाँ दा, फिर तिस्ते बाद आई बाहर रहने लग उदे कने वे बोले जमीन बंदोबस्त करा पे, तो हाँ आहा जमीन बंदोबस्त करी लिया था पे, आहा जो साल हुंदा या पे मकाना दे पैसे जो पतिना फोन कहते वे आप पैसा मंजूर हो गया कन पे, तो हाँ अपना काम शुरू कर दिया, नहीं है भरी दिया पे,
आने महीना हो गया हाँ जन्नी है भरो तो आने बोला है भाई पीछे तो आऊंगा पैसा तो ही यहाँ देना भाई तो ये करो हाँ बिजली के बगैर यहाँ जो कीड़े कंडू का बिल्कुल डर है फिर आते तो रात दिन भाई पहरा देने वाला काम हो भाई आना पे कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं आंदे वास्ते भी हाँ भाई तिथि तो अह कुछ कर गए भाई अपना हम अगर गवर्नमेंट की मर्जी भाई ऐसे ही रखने होंगे तो भी कने पे कोई सहायता करना चाहते आते तो भी पहले तो बोलते भाई जमीन वाड़ो चलो माड़ी मोटी जमीन भी वाड़ी ले अगला कारोबार तो नहीं आ साल तो हो गया तो नहीं आ जो रड़ाते हैं जो भाई पैसा मंजूर करी दिया आंदा। इस मामले पर जब उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया।